अधिकार दिया जाएगा। कहते हिंदुस्तान में हम नहीं जाएगा, बराबर का अधिकार क्यों दिया जाएगा हमें? बराबर का अपने देश की संस्कृति की सुरक्षा के लिए अपना फर्ज निभाने आया हूँ। हमारे पुरखों ने जो गलतियाँ किया उसका पश्चाताप मैं करने आया हूँ। साल से दूर बर्दाश्त कर रहे हैं हम, जो तो हिंदू होते हुए धर्मनिरपेक्षता सहन कर रहे हैं। क्या ये हमारा देश प्रभु नहीं है? ये धर्मनिरपेक्ष देश बना क्यों? बनाने वाले का अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का है। मदन लाल गुप्ता नाम है, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा। तो आज जो आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इसके बारे में क्या बताएंगे आप? अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करने के लिए, इसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदुस्तान था, हिंदू राष्ट्र था, इसको मुगलों ने गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और हमारे देश को जीत के अपना नाम लिख दिया। अब अपना नाम जो उनका लिख दिया हमारी गुलामी मानसिकता के कारण, और आज हम आज़ाद हो गए हैं, तो हमें अपने बाप का वैभव पुराना चाहिए, अपने दादाओं का वैभव पुराना चाहिए, पुराना हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें इंडिया या मुगलिया सल्तनत नहीं चाहिए। जब आप मुस्लिम शब्द सुनते हैं तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या आती है आपके मन में? अपने पूर्वज जिनको मार मार के मुसलमान बना दिया गया, और हमें दुख होता है उनके लिए कि काश कोई ऐसा शब्द हो कि जिनसे मेरी जो बिखरे हुए भाई हैं, जो मेरे कटे हुए बाजू हैं, मेरे अंदर आके समाहित हो जाएं। हिंदुओं के लिए नहीं, खुल के बताएं क्या कहना चाहते हैं। अरे भाई, लंबा एक घंटा बताने के बजाय इतना बता दिया, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होती है, सिखों के साथ होती है, ईसाइयों के साथ होती है, अफगानिस्तान में होती है, वही यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे वही होना चाहिए जो वहाँ हो रहा है। सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। कहते हिंदुस्तान में हम नहीं जाएगा, बराबर का अधिकार क्यों दिया जाएगा हमें? बराबर का अधिकार दिया जाता है कहीं पे? मेरी भूमि, मेरा देश, मेरी माटी, मेरा मंदिर पाकिस्तान, सब कुछ मेरा ही था ना। आज वो दूसरे के हाथ में चला गया, तो हमारी माँ बहनों का जो बुरा हाल हो रहा है ना, वो हम जानते हैं। कुछ नहीं है, बेकार की जातिवाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पत्रकार का एक धर्म होता है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करे, वो किसी भी जाति या किसी भी मजहब या किसी भी धर्म को लेकर पत्रकारिता नहीं करेगा। परंतु ये दलित दस्तक वाले जो है, दलित दस्तक वाले अपनी माइक पे अपनी आईडी लगाए बिना और जो है जातिवाद की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दलितों को अलग अलग कर रहे हैं। हम जब 1947 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अलग मुस्लिमों को दे दिया था, तो हम इस अपने देश को हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू बने। या जितने भी मुस्लिम हैं या तो वो हिंदू बने, और नहीं तो हमारा देश छोड़ के पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जाएं, जहाँ 1947 में वो गए थे, जो उनको मिला था। देश संविधान से चल रहा, तो आप क्यों चाहते हैं कि देश मतलब हिंदू राष्ट्र बने? जब संविधान से चल रहा, तो एक सेकुलर आदमी सुरेश चौहान जो हिंदू की आवाज़ उठाता है, हमारी आवाज़ उठाता है, वो उसका चैनल बंद करवाएगा, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाएगा। कहेगा सेकुलर रह गया, कहेगा संविधान रह गया, ये संविधान सब मुस्लिमों के लिए है, हमारे लिए कोई संविधान नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो क्या हमारा राष्ट्रीय फ्लैग जो है इसको भी चेंज किया जाएगा? नहीं, राष्ट्रीय फ्लैग क्यों चेंज किया जाएगा? अगर देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाना एक अलग मुद्दा है, और फ्लैग एक जो तिरंगे का सम्मान है, वो हमेशा हम सम्मान करते रहेंगे। तिरंगे के अंदर तीनों रंगों का हम पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, और हम इस देश से किसी भी मजहब या पंथ को भगाना नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों भारत छोड़ो, हम नहीं कहते हैं ईसाइयों भारत छोड़ो, हम किसी को नहीं कहते भारत छोड़ो। केशव प्रसाद मौर्य सूअर जैसे। कुछ पत्रकारों के द्वारा और जो प्रदर्शन में आए लोग थे, उनमें कुछ आपस में कहा सुनी हुई है, जिसके बाद यहाँ पर माहौल ना बिगड़े, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए यहाँ से जो उनको लगा कि यहाँ पर जो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनको यहाँ से बाहर खदेड़ा गया। मैं आप में कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे का ये नज़ारा है, ये दिखाएँ प्रशासन किस तरह से यहाँ पर लोगों को कह रहा है यहाँ से बाहर जाने के लिए, और यहाँ पर जो जंतर मंतर का जो माहौल है, धरना स्थल का जो माहौल है, उसको शांत बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। हिंदू राष्ट्र
हिंदू राष्ट्र की आखिर जरूरत क्या है? आप क्यों नहीं जरूरत है? पूरी दुनिया के अंदर इतने इस्लामिक देश हैं, पूरी दुनिया के अंदर इतने ईसाइत देश हैं, तो क्यों ना एकमात्र देश भारत को हम हिंदू राष्ट्र कहें? तो आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र की अभी जरूरत क्या है, जबकि देश के अंदर प्रधानमंत्री हिंदू है, अधिकतर जो हमारे स्टेट हैं उसके अंदर CM हिंदू है, DM हिंदू है, SDM हिंदू है, IAS IPS अधिकारी हिंदू है, आला अधिकारी के जो लोग हैं वो हिंदू है, उसके बाद आपको क्यों लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? भाई साहब कुछ मुस्लिम नाम भी तो है, सभी हिंदू नहीं, कुछ मुस्लिम भी है, ऐसा मत बोलिए। तो ऐसा कोई कहने वाली बात नहीं है, क्यों नहीं जरूरी है हिंदू राष्ट्र? जहाँ जहाँ हिंदू शौर्य की बात होगी, हिंदू प्रकाष्ठा की बात होगी, हमें वो हर एक चीज़ चाहिए जो हमारा सनातन काल से प्राचीन काल से रहा है। यदि कोई रोड जो मुगल कालीन नाम पे पड़ा हुआ है और यदि उसका इतिहास राणा सांगा से जुड़ा हुआ है, तो हम उस रोड को भी नाम चेंज करने में विश्वास रखेंगे। जैसे कि आपने हिंदुत्व की बात की, कल इसी जगह पे उत्तराखंड के जोशी मठ से लोग आए थे, हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र कहा जाने वाला जोशी मठ, उसके लिए आप लोग समर्थन में कभी नहीं आए, इसके लिए क्या कहेंगे आप? शायद आप कल नहीं आए थे, हम अवश्य आए थे, हम हमेशा वहाँ पे खड़े हैं जहाँ हिंदू हित की बात हम है। कल भी यहीं थे, लेकिन हमने जब उनसे सवाल किया तो उनका कहना यह था कि हम सरकार को जगाने आए हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार हो सकता है कि हमें सरकार से नाराजगी हो, हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने आए हैं, क्यों नहीं? संविधान में तो भारत लिखा गया है, तो आप संविधान पर भरोसा नहीं रखते? संविधान में भारत लिखा गया है तो संविधान में हिंदू राष्ट्र भी तो होना चाहिए भाई, यहाँ हिंदू रहते हैं। पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर, उन्हें इस्लामिक राष्ट्र ये था। देश गुलाम क्या हुआ था? पाकिस्तान गुलाम नहीं हुआ था, गुलाम हुआ था हिंदुस्तान। आज़ाद किसको होना चाहिए था? हिंदुस्तान को। आज़ाद हिंदुस्तान नहीं हुआ, पाकिस्तान हुआ और इंडिया हुआ। इंडिया 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 गुलामी की मानसिकता थी जिसे हम सर पे देके ढो रहे हैं, और आज मोदी जी की सरकार आ चुकी है, हमें यकीन है आज नहीं तो कल इसे हिंदू राष्ट्र बनना है और गुलामी मानसिकता इंडिया की जो बोझ हमारे सर पे है उसे उतार के फेंकना है। आपके अकॉर्डिंग अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसके अंदर व्यवस्थाएँ क्या होंगी, कुछ बताएंगे उसके बारे में? जो भारत को पितृभूमि कहे, जो भारत को मातृभूमि कहे, जो भारत के कायदे कानून में आस्था रखे, उसकी जगह भारत की इस पितृभूमि में है। देश के अंदर निरंतर जो है हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता रहा है, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो या फिर वो धर्मांतरण का मामला हो, जिस प्रकार इस देश के अंदर निरंतर हिंदू सताए जाते रहे हैं, प्रताड़ित होते रहे हैं, मारे जाते रहे हैं, काटे जाते रहे हैं, हिंदुओं की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। मुस्लिम शब्द सुनते हैं तो आपके मन में पहला थॉट क्या आता है? मुस्लिम शब्द जब भी मैं सुनता हूं तो मेरे दिमाग में पहला थॉट आता है APJ अब्दुल कलाम जी, जिनका मैं आज भी पूर्णतः समर्थन करता हूं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश को बहुत सारी ताकतें दी, तो क्या वो मुस्लिम नहीं थे? अगर मेरा मुस्लिम को लेकर ही विरोध है तो फिर मैं अब्दुल कलाम जी का सम्मान नहीं कर रहा होता। मेरा विरोध केवल उन कट्टरपंथियों को है, उन वामपंथियों को है, उन राष्ट्रद्रोही लोगों को है जो लोग इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर कट्टरपंथ फैलाना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर आग लगाना चाहते हैं, फिर चाहे वो शर्जिल इमाम हो चाहे वो कन्हैया कुमार। जैसे आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो आज का प्रोटेस्ट था हिंदू राष्ट्र को लेकर वो लगभग समाप्त हो चुका है, और लोगों ने जिनसे भी हमने बात की उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम आने वाले समय में देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन अब सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि जब देश के अंदर संविधान लागू है तो क्या कुछ लोगों के कहने से देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा? अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की और खबरें हम लेकर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं शानू, ABD News।